everyone. Namaste. Welcome to my channel. I hope you all are doing good. और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आज से इस वीक से अब से हर रोज़ मैं मंडे और थर्सडे को वीडियो डालूँगी. तो या हियर आई एम विथ माई वीडियो. तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. आप इसको माई कलेक्शन ऑफ मॉइस्चराइजर्स भी कह सकते हो. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो. तो मेरे पास यहाँ पे पांच मॉइस्चराइजर्स हैं. मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ. लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, ये है सॉफ्ट क्रीम. इसका दो मतलब दो डिफरेंट टाइप में आता है ये. तो एक तो है एक लिक्विड फॉर्म में आता है और मेरा वाला है क्रीम फॉर्म में. और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है. मेरा ये पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया. यहाँ पे अंदर सा अंदर में थोड़ा सा बाकी है. तो लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र, ये एक बहुत ही अच्छा क्रीम है, बहुत ही अच्छा क्रीम है. और मॉइस्चराइज़र तो हम सभी को मतलब लगाना चाहिए, नॉट ओनली इन द विंटर सीजन बट इन ऑल द सीजन्स. बट हाँ, विंटर सीज़न में थोड़ा सा हैवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है, वेरियस गर्मी के मौसम में. जैसे कि अभी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अभी लाइट मॉइस्चराइज़र हो तो मतलब वो अच्छा है फिर हमारे लिए. तो ये बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, ऑलमोस्ट लाइट ही है और मुझे बहुत पसंद है. लैक्मे एक वेल नोन ब्रांड है और ये पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र जो है लैक्मे का, ये एक बहुत मतलब पुराना है प्रोडक्ट लैक्मे का. मतलब बहुत सालों से इसको देख रही हूँ. तो आई जस्ट लव दिस वन. और इसकी जो फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. ये है पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र फ्रॉम लैक्मे. सो दिस इज़ माई फर्स्ट मॉइस्चराइज़र ऑफ द वीडियो. और आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. अगर आप अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो तो, क्योंकि इसकी कीमत है सिर्फ 100 रुपये. जी, ₹100. ये देखिए उल्टा आ रहा है पर फिर भी दिखाई दे रहा है, ₹100. तो मैं सारे प्रोडक्ट्स का मतलब एक्सक्यूज़ मी सारे जो प्रोडक्ट्स के नाम हैं, फिर जो उनका जो प्राइस है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट मॉइस्चराइज़र and I love this moisturizer, Lakmé peach milk moisturizer. It makes your skin really soft and supple. और ये claim करता है कि ये 24-hour moisture lock करता है. तो मैं जब भी इसे apply करती हूँ, apply करने के बाद कुछ 3-4 घंटे तक तो ये अच्छे से work करता है. मतलब मेरा skin जो है इसको apply करने के बाद कुछ 3-4 घंटे तक सॉफ्ट सप्पल रहता है, विच आई कैन फील व्हेन आई टच माय स्किन. तो ये था मेरा फर्स्ट मॉइस्चराइज़र. अब मैं बात करने वाली हूँ इसका, निविया. निविया एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम इंडियंस में. तो और ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जैसे कि लैक्मे भी एक वेल नोन ब्रांड है, निविया भी एक बहुत वेल नोन ब्रांड है. तो ये एकदम नया है, मैंने इसको सिर्फ 3 बार ही यूज़ किया है. इसको मैंने ख़रीदा था, पर ये मुझे मेरे शादी के जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना, एक ट्रे के अंदर रहता है सब कुछ ब्राइड के लिए, मतलब लिपस्टिक काजल वगैरह वगैरह. तो वहाँ पे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें ये भी था.
ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है क्योंकि निविया एक वेल नोन ब्रांड है तो अच्छा तो होना ही है, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत प्यारी है, मतलब एक मीठा सा फ्रेग्रेंस है इसका, एक मीठा सा फ्रेग्रेंस है इसका, बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट द मॉइस्चराइज़र, बट सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे पसंद नहीं है, वो ये है कि ये मॉइस्चराइज़र ना, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम निविया का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट्स वेरी हैवी। आप जब लगाते हो इसको अपने स्किन के, मतलब अपनी त्वचा में जब इसे लगाते हो अपने फेस पे, बहुत एक हेवी फील होता है, क्योंकि ये जो है इसको लगाने के बाद आपको लगता नहीं है, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ लगाया है, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट फीलिंग जस्ट वैनिशेस। मुझे ज़्यादा देर तक ये फील नहीं होता है कि मैंने कुछ लगाया है अपने चेहरे पे, पर इसको लगाने के बाद बहुत देर तक ये फील रहता है कि मैंने कुछ लगाया है, मैंने कुछ लगाया है। तो इट्स रियली हैवी, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, द फ्रेग्रेंस इज़ गुड, द इट वर्क्स वेल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो दिस वन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द विंटर सीज़न, पर इसको प्लीज़ आप गर्मियों के सीज़न में मत लगाना, इस्पेशली अगर आप सिटीज़ लाइक चेन्नई में रह रहे हो, या मुंबई में रह रहे हो, या पंजाब में रह रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के सीज़न में, मौसम में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी फेस कर रहे हो तो इस मॉइस्चराइज़र को मत लगाना, इसको सिर्फ विंटर के सीज़न में ही लगाना आप, तो सो दैट यू डोंट गेट स्वेटी ऑल द टाइम, ठीक है। तो गर्मियों के सीज़न में जितना हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएंगे उतना बेहतर है, और हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसको एक पाउडर से या कॉम्पैक्ट से सेट कर लीजिए, नहीं तो वो निकल जाएगा। विंटर के सीज़न में उतना पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ती, और ये विंटर के सीज़न में बहुत अच्छा काम करता है। तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और इसका प्राइस है, इसका प्राइस कहीं पे मेंशन नहीं किया, ठीक है मैं बाद में चेक करती हूँ, मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसका जो प्राइस है, आई विल पुट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके प्लीज़। पर ये जो है आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 200 ml, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, इसकी क्वांटिटी है, मुझे फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा, मैं बाद में मेंशन कर देती हूँ, पर ये 100 ml के नीचे है, ये 100 ml के नीचे है, ये 200 ml है, ठीक है। सो ये दो ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद है ये दो प्रोडक्ट्स, तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो अगर आप एक अच्छा मतलब ढूंढ रहे हो मॉइस्चराइज़र, तो अफोर्डेबल रेंज में। तो इसके बाद बारी आती है इसकी, लोटस। लोटस एक बहुत ही अच्छा वेल नोन इंडियन ब्रांड है, और ये जो मॉइस्चराइज़र है इसका नाम है लोटस हर्बल्स न्यूट्रा मोइस्ट स्किन रिन्यूअल डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो इसको भी मैंने सो फार कुछ 4-5 बार यूज़ किया है, और इसको, ये भी मुझे रिसीव हुआ था मेरे मैरिज के टाइम पे, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्रीम है, और जितना मतलब मॉइस्चराइजेशन चाहिए आपकी स्किन को ये उतना ही प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट मेरे स्किन को तो करता है। और ये बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एक अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र है, पर हाँ इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके मत लगाइए, हल्का लीजिए और पूरे फेस पे ऐसे डैब डैब करके लगाइए, और हल्के हाथों से थोड़ी देर मसाज कीजिए, इट वर्क्स रियली वेल। तो ये ऑल स्किन टाइप्स है, और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी जो लगी वो ये है कि इसमें ना SPF 25 है, सो इसको
ये एक तो ये डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसलिए आप इसको फेस को क्लीन करने के बाद डेली लगा सकते हो, दैट्स वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज इट हैज़ इट कंटेंस SPF 25 विच प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम द सनलाइट. अब इंडिया में सिर्फ SPF 25 से तो काम नहीं चलता, समटाइम्स आपको SPF 50 तक लगाना पड़ जाता है, पर फिर भी ये अच्छी बात है कि डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम में SPF मौजूद है ना. तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और इसको लगा के मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि हल्का अगर थोड़ी से मतलब थोड़ा सा अगर हल्का धूप हल्की सी धूप में निकलूँ तो मुझे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर मैं नीचे ही मैं ऊपर फोर्थ फ्लोर में रहती हूँ, तो अगर मैं कभी ग्राउंड फ्लोर में जाऊँ थोड़ा सा टहलने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाती, तो उस वक्त मैं इसको लगा के चली जाती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाता है और टैनिंग भी नहीं होती है ना. तो ये था लोटस न्यूट्रा मॉइस्ट स्किन स्किन रिन्यूअल डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम. इट रिन्यूज़ द क्या बोलूँ इसको, क्या बोलूँ मैं, जो ये रिन्यू करता है आपके स्किन को, स्किन रिन्यूअल मतलब डैमेज होने से बचाता है आपके स्किन को, है ना. और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स, और इसका प्राइस है, ये थोड़ा सा प्राइसी है, थोड़ा सा कॉस्टली है. इसकी कीमत है 455, बट बिलो 500, बिलो 500. अब इतना अच्छा क्रीम है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा, और हर्बल क्रीम है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, बहुत लेस केमिकल्स हैं इसमें, ऑलमोस्ट नहीं, ना के बराबर. और इसका प्राइस है जैसे कि मैंने कहा 455. तो बहुत ही अच्छा क्रीम है, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें ना एक ये है, एक सेपरेटर बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, बट क्योंकि ये हर्बल है तो थोड़ा सा मतलब द मोमेंट यू स्मेल द प्रोडक्ट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, बट इट वर्क्स रियली वेल. और जैसा कि मैंने कहा, ये जो एक है इसको पकड़ के आपको ऐसे खींचना होता है, तो ये प्रोडक्ट को ऐसे कवर अप करके रखता है, विच आई लव. ऐसा हर प्रोडक्ट में होना चाहिए, इसीलिए मैं इस स्टफ को हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ एक चीज़ जो मेरे प्रोडक्ट को मतलब कवर करके रखे. एक्चुअली वी आर सपोज टू रिमूव दिस टोटली, पर मैं रिमूव करती नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्टफ है, क्रीम है, वो निकल जाए, और वो मुझे पसंद नहीं है. ओके. और इसका जो पैकेजिंग है ये मुझे बहुत पसंद है, फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है. तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है, ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा. और लोटस का एक फेस टोनर भी है, तो मॉइस्चराइज़र के साथ फेस टोनर को भी यूज़ कीजिएगा. अगर आप दोनों को साथ में यूज़ करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है अगेन फ्रॉम अ वेल नोन ब्रांड, न्यूट्रोजीना. न्यूट्रोजीना ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होती है दे कैन यूज़ दिस वन. और ये बहुत ही लाइट है, मतलब बहुत ही लाइट है, लगाते ही स्किन में मतलब एकदम से अब्जॉर्ब कर जाता है, इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड वेरी सून, वेरी इजीली, वेरी नाइसली इन टू द स्किन. और ये एकदम से चिपचिप नहीं है, मतलब कोई चिपचिपाहट फील नहीं होगी आपको. इट्स नॉन स्टिकी, नॉट लाइक द यूजुअल मॉइस्चराइज, नॉट लाइक द यूजुअल वंस, यूजुअल मॉइस्चराइजर्स जो कि स्टिकी स्टिकी होते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, एकदम स्टिकी नहीं है, और आपके स्किन को अच्छा खासा सॉफ्ट बना देता है. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, विच आई डोंट लाइक, पर कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस के बिना जो प्रोडक्ट्स हैं वो पसंद होते हैं, तो दे कैन ट्राई दिस वन.
और इसकी क्वांटिटी है 118 ml, ठीक है, और इसका प्राइस है 375। तो ये भी अंडर 500 है, अफोर्डेबल रेंज में ही मिलेगा आपको ये। लैक्मे से ये प्राइसी है, दिस इज़ एक्सपेंसिव। लैक्मे से ये, मतलब लैक्मे मॉइस्चराइजर से ज़्यादा प्राइस है इसका, बट लोटस वाले से कम प्राइस है इसका, ठीक है। सो 375, द कॉस्ट इज़ 375 ऑफ दिस मॉइस्चराइजर, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मॉइस्चराइजर। और न्यूट्रोजेना क्लेम्स की दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल नॉट क्लॉग द पोर्स, दिस इज़ अल्कोहल फ्री, अलर्जी टेस्टेड विच इज़ वेरी गुड, और जैसे कि मैंने कहा फ्रेग्रेंस फ्री। तो या दैट्स दैट। और ये भी बहुत कम लगता है, जस्ट मतलब इसमें पंप दिया गया है, आई लव दिस पंप सिस्टम, इट रियली मेंटेन्स द हाइजीन स्टफ। मतलब बार बार आपको उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में उंगली ऐसे डाल के उठाते हो तो हमेशा मेक श्योर कि योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू यूज़ मॉइस्चराइजर्स लाइक दिस। मेक श्योर दैट योर हैंड्स, स्पेशली योर फिंगर्स आर क्लीन। मेक श्योर दैट कि योर फिंगर्स आर क्लीन, वॉश देम, सैनिटाइज देम, एंड देन यूज़ योर प्रोडक्ट। पर ऐसे प्रोडक्ट्स में वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक यूज़ ऑफ द पम्प। ऐसे मैं दबा नहीं रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ, जस्ट पंप लाइक, थोड़ा ज़ोर से दबाइए, पंप लाइक दिस, ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे पंप कीजिए और आपका प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएगा। पंप करने के बाद इसको स्ट्रेट से ऐसा कर दीजिए ताकि ये नहीं निकलेगा। इफ़ यू डू लाइक दिस स्ट्रेट और पंप करें तो वो निकल जाएगा। पंप करने के बाद इसको इस साइड में करके रख दें तो नहीं निकलेगा। अगर वैसा ही करके आप रख दोगे तो बाई चांस एक्सीडेंटली दब गया तो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट, ओके। और ये हाथ में थोड़ा सा आ गया है, ये एकदम ऑयली नहीं है, नॉन स्टिकी नहीं है, सॉरी नॉन स्टिकी है, स्टिकी नहीं है, और बस एकदम से नथिंग अब्सॉर्ब हो गया स्किन में, नो फ्रेग्रेंस, नथिंग, ओके। तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखा दिए, मेरे पास पांच प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें से चार मैंने दिखा दिए सारे के सारे। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज टंडना ममा अर्थ। आई लव दिस ब्रांड, और अब तक तो ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, इट हैज़ बिकम अ फेमस इंडियन ब्रांड नाउ, ममा अर्थ। दे ऑल्सो मेक प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव अल्कोहल और पैराबिन और हाई केमिकल्स और स्टफ लाइक दैट। तो ये ममा अर्थ के हर प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये दिखेगा, ये क्या है मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक तो है पैराबिन फ्री, जो मैंने कहा पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री, विच इज़ वेरी गुड, इसमें पैराबिन और सिलिकॉन नहीं है, दिस इज़ फ्री फ्रॉम पैराबिन एंड सिलिकॉन। लाइट एंड नॉन ग्रीजी, नॉन स्टिकी, विच इज़ वेरी ग्रेट, या इट्स लाइट, इट्स ऑल्सो अ वेरी, इट्स ऑल्सो लाइट इन टेक्स्चर, और नॉन-कमेडोजेनिक। नॉन-कमेडोजेनिक का मतलब मुझे नहीं पता, बट नॉन-कमेडोजेनिक मतलब आई थिंक इससे अलर्जी नहीं होती, आई थिंक सो। मैं कमेडोजेनिक का मीनिंग चेक करके डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि मीनिंग क्या है कमेडोजेनिक का, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट लग रहा है कि जितना लग रहा है कि इससे अलर्जी नहीं होती, ऐसा कुछ शायद मीनिंग हो सकता है इसका, आई एम नॉट श्योर। आई चेक द मीनिंग एंड आई लेट यू नो, आई put the meaning in the description box, so please go and check that out, okay। तो ये ममा अर्थ का एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम है। नाउ ममा अर्थ doesn't क्लेम कि दिस इज अ मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, बट ऐसा मैं कह रही हूँ, आई एम सेइंग सो बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द पास्ट
2 months. Yeah, 2 months is yada. I think 3 months. Yeah, I have been using this product for the past 3 months and I am in love with this product. Apply this product and go out. It will protect your skin from the sunlight, from the pollution, which is very important, you know. तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें टर्मरिक है और एक और इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है पोल्यू स्टॉप जो और ये दो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को पोल्यूशन से बचाता है और सूरज के किरणों से भी बचाता है. तो सूरज के किरणों से बचाता है ये ममा क्लेम नहीं करता, ये मैं क्लेम कर रही हूँ क्योंकि जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा टैन पड़ गया था, वो कम हो गया. और इसको जब भी मैं लगाती हूँ, व्हेनेवर आई अप्लाई दिस क्रीम, इट मेक्स माय स्किन रियली स्मूथ, सपल एंड सॉफ्ट. सो आई डू नॉट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर व्हेन आई अप्लाई दिस, सीरियसली. एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट 3 मंथ्स. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और मेरे जैसे बडिंग यूट्यूबर को कोई स्पॉन्सर भी इतनी जल्दी नहीं करेगा. सो वट एवर टूडे आई एम सेइंग इन दिस वीडियो, सब कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. आई एम सेइंग एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, ओके. आई हैव यूज्ड ऑल द प्रोडक्ट्स नाइसली एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और एक बार आप ट्राई करके देखिए. ममाद का हर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. मैंने इनका फुल मतलब जो फेस का जो है स्टफ वो ख़रीदा है. मेरे पास ये है एंटी पोल्यूशन क्रीम, मेरे पास उनका एलो टर्मरिक जेल है जिसका भी मैं बहुत जल्द एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी. तो मेरे पास ये है एंटी पोल्यूशन क्रीम, देन एलो टर्मरिक जेल, देन उपटन मास्क. तो बहुत कुछ है मेरे पास ममा का. और मेरे पास उनका अनियन हेयर ऑयल भी है, अनियन शैम्पू भी है, अनियन हेयर मास्क भी है विच इज़ वेरी गुड. तो मैं उन सब का जो है रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द. तो या दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट. दिस इज़ नॉट अ मॉइस्चराइजर, एटलीस्ट ममा अर्थ डजंट क्लेम दैट दिस इज़ अ मॉइस्चराइजर, ओके. ममा अर्थ डजंट क्लेम दिस इज़ अ मॉइस्चराइजर, बट आई लाइक टू से दैट दिस वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजर, बेटर दैन अ मॉइस्चराइजर. सो प्लीज़ एक बार इसको खरीदिए. Do purchase it once, at least once, and use the product. You will fall in love with this one. So I love this product and I highly recommend this one. So पहला जो चार product मैंने दिखाया है वो तो मेरा favorite है ही, but this is one of the most favorite ones. So I love this one out of all those. Okay. तो पांचों में से ये मेरा सबसे फेवरेट है. आउट ऑफ ऑल द 5 प्रोडक्ट्स दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन आउट ऑफ ऑल द 5 प्रोडक्ट्स. और आज आपको मैं थोड़ी सी अजीब दिख रही होंगी शायद, क्योंकि मेरे बालों को मैंने शैम्पू नहीं किया है, आज करना है. तो तेल लगाया था इसलिए थोड़ा सा चिपकू दिख रही हूँ शायद. और लिटरली यहाँ पे समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, एसी फैन सब कुछ बंद है, दरवाज़ा सब बंद है, इसलिए आई एम स्वेटिंग, इसलिए शायद थोड़ा अजीब दिख रही हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा. तो या ये थे सारे के सारे प्रोडक्ट्स. और इसका मैं प्राइस बता दूँ, इसका प्राइस है एक सेकेंड, इसका प्राइस कहाँ है, इसका प्राइस तो मुझे नहीं दिख रहा है. तो कोई नहीं, मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स का जो है प्राइस मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई विल पुट द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन ब्लॉक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज़ गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके. तो या सो यही था आज का वीडियो. मैं शेयर करना चाहती थी मेरे पास जो जो मॉइस्चराइजर्स यहाँ पे हैं, और भी मॉइस्चराइजर्स हैं मेरे पास, बट वो यहाँ नहीं है पंजाब में, वो चेन्नई में है मेरे मायके में.
तो मेरे पास यहाँ जो 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 भी थे पांचों के पांच मैंने आपके साथ शेयर किया आज। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ गिव द वीडियो अ लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। आई रियली नीड योर सपोर्ट, ब्लेसिंग्स एंड लव। और प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू फील अबाउट माई वीडियोज़। गिव योर सजेशंस इफ यू हैव एनी, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और सब्सक्राइब ऑप्शन के बगल में एक बेल आइकन है, सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती मैं। फिर मिलती हूँ ऑन थर्सडे। और थर्सडे को कोई मेकअप या स्किन केयर रिलेटेड वीडियो नहीं होगा, बल्कि कुछ अलग टाइप का वीडियो होगा, मिसलेनियस टॉपिक्स पे एज आई सेड बिफोर, और मेरे चैनल के अबाउट में भी लिखा है मैंने। तो जब तक मेरा ट्राइपॉड नहीं आ जाता, मैं कुकिंग वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगी। तब तक मैं ब्यूटी स्किन केयर रिलेटेड डालती रहूँगी और मिसलेनियस टॉपिक्स पे डालती रहूँगी। सो मिलती हूँ फिर से आप लोगों के साथ ऑन थर्सडे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, और आपके आसपास जो हैं उनको भी खुश रखिए। चलती हूँ मैं, फिर से मिलूँगी। नमस्ते।